यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि रेलवे ने टिकट बुकिंग करने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप भी टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं या फिर टिकट बुकिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इन नियमों को जान लें। रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर एक नया नियम बनाया है, तो आइए जानते हैं क्या है नियम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूँ मीनू वर्मा। नए नियम के मुताबिक अब आप अपने टिकट को परिवार के सदस्य को, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति या पत्नी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए आपको 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा। कैसे होगा ये ट्रांसफर? तो सबसे पहले टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। इसके बाद एक फॉर्म लेना होगा, फिर आपको जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसकी कोई आईडी देनी होगी। इसके साथ आपको यह भी लिखना होगा कि आपका उससे क्या रिश्ता है। इसके बाद आपका टिकट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हाँ, बता दें कि आप अपना टिकट सिर्फ एक बार ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब यूं तो एक नज़र में ये नया नियम बहुत ही सुविधाजनक लग रहा है, लेकिन इस नियम के गलत तरीके से इस्तेमाल के चांसेस भी ज़्यादा हैं, जिससे कि अब आम जनता को भी टिकट मिलने में परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि इस नियम के मुताबिक रेल टिकट एजेंट चाहे तो पहले ही कुछ टिकट काट ले और फिर उसे कुछ पैसे लेकर यात्रियों के नाम ट्रांसफर कर दे। यकीनन ये इलीगल होगा, लेकिन रेल प्रशासन को इसे रोकने के लिए कुछ नियम बनाने की ज़रूरत सोचनी चाहिए। इसके अलावा नए नियम के मुताबिक वेटिंग टिकट लेकर यात्री अब स्लीपर और एसी कोच में भी नहीं जा सकेंगे। यदि वे इस टिकट पर सफ़र कर लेते हैं तो चेकिंग स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर ही उतार देगा। यात्रियों के सुनहरे सफ़र में खलल ना पड़े, इसलिए रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में जाते थे, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्री को परेशानी होती थी। अब ऐसे में उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो कंफर्म टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए ही रेलवे ने ये गाइडलाइन जारी की है कि वेटिंग टिकट नॉट अलाउड। अब आपको ये भी बता दें कि जो यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं उनकी टिकट कंफर्म ना होने पर स्वतः ही रद्द हो जाती है, लेकिन जो यात्री स्टेशन से टिकट बुक करवाते हैं उनकी टिकट स्वतः रद्द होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में यह वेटिंग लिस्ट वाले यात्री ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सीट पर अनाधिकृत तरीके से बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं जब अब अगर रेलवे में सामान्य वर्ग की वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की भी बात करें तो स्लीपर क्लास के डिब्बों की संख्या घटती जा रही है और ऐसे में एसी क्लास के डिब्बों की संख्या बढ़ रही है। इसका असर सीधा सामान्य वर्ग के उन लोगों पर पड़ता है जो स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं। इन यात्रियों की वेटिंग लिस्ट अब 400 तक पहुंच जाती है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि जब वेटिंग टिकट पर यात्रा की अनुमति ही नहीं है तो वेटिंग टिकट का इतना मापदंड क्यों है। इसके अलावा ये भी कि सामान्य वर्ग के लोगों को अगर इमरजेंसी आ जाए तो उनके लिए रेलवे ने क्या सोचा है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।